हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव कम अगेन फ्रॉम 17.1 क्वेश्चन नंबर 5। एंड हाउ आर यू फाइन? ओके, चलिए शुरू करते हैं आज 17.5 का। कल मैंने 4 तक अपलोड कर दिया था, आज 5 से बना रही हूँ, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन हुज लेंथ्स आर 15 मीटर, 20.5 मीटर एंड 17.5 मीटर। मीटर ऑल्सो फाइंड इट्स सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ पेरीमीटर। ओके, वी हैव टू फाइंड सो दैट हियर ऑल द मेजरमेंट्स आर नॉट इक्वल, नो वन इज इक्वल, सो ऑल आर डिफरेंट। वी हैव टू जस्ट ऐड टू गेट द पेरीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ गार्डन, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन, गार्डन इज इक्वल टू 15 मीटर प्लस 20.5 मीटर प्लस 17.5 बाई 2। ड्यू टू हैव टू फाइंड आउट सेमी पेरीमीटर, आधे का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इसको बाई 2 कर देंगे, ठीक है। आप इसको ऐड करोगे तो यह आएगा 15 3 बाई 2 और इसका आंसर हो जाएगा 26.5 मीटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रख देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5B। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज वन ऑफ द साइड्स इज 6.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, इज इट। शो देयर फॉर्मूला इज सॉल्यूशन पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल equal to 3L, okay, and length it has given 6.5, so 3 into 6.5 centimeter, 19.5, if you will multiply it, you are getting 19.5 centimeter, this is your answer. Okay, and please like and subscribe me. चलिए अब 5C हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, वन ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 5.4 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने क्या पढ़ा आप लोगों को, कोई दो साइड इक्वल होगा। तो हम कैसे जानेंगे दो साइड, अगर ऐसा साइन दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन में ये 5.4 कोई दो साइड्स हम 5.4 सपोज कर सकते हैं। तो मैंने इसको 5.4 और निकालना क्या हम लोगों को, थर्ड साइड्स निकालना है। और इसका पेरीमीटर दे चुका है 15.4 पेरीमीटर। इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग पेरीमीटर फाइंड आउट करते थे, बट इस क्वेश्चन में हम लोगों को पेरीमीटर दिया हुआ है, अदर साइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 2a + a, ए होता है जो आइसोसेलेस साइड होता है उसको, तो टू आप डायरेक्टली भी दो बार भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अदर साइड को मैंने एल ही रखा है और आप एक्स भी सपोज कर सकते हो, ठीक है ना। तो 2a + l, तो 2 × 5.4 + l। चलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई मैंने किया, पेरीमीटर मैंने यहाँ रखा क्योंकि पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 15.4 सेंटीमीटर। अब इसे मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 10.8 + l। अब ये प्लस है, इधर जाके मैं माइनस करती हूँ, इस साइड अगर लेकर आती हूँ, ठीक है ना। इक्वल टू एल, अब यहाँ छोटा सा स्पेस है तो इसको मैं और एल इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 4.6। चलिए आप देखिए दूसरा साइड क्या आया, 4.6। ओके, अब मैं क्वेश्चन 6 बना के रखने जा रही हूँ, ठीक है।
और आप लोगों का बच्चों सभी क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन 5 की एक वीडियो में होगा, क्वेश्चन 6 एक वीडियो में, क्वेश्चन 7 ऐसे ही करके सभी वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें, मैं ज़रूर से ज़रूर बना कर भेजूँगी आपको।